हाय दोस्तों, आपके लिए एक अनदर वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं बताऊंगा कि जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो एनालिसिस है वीकली बेसिस पे क्या देखने को मिल रहा है, आने वाले वीक में कहाँ तक टारगेट मिल सकते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी में कौन से रोल इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में देखने वाले। चलिए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की और वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ। यहाँ पे जो अभी निफ्टी का फर्स्ट ऑफ ऑल एनालिसिस करेंगे, पहले अपन डेली कैंडलस्टिक पे एनालिसिस करेंगे, उसके बाद में वीकली पे एनालिसिस करेंगे। अगर डेली पे अगर देखें तो एक अच्छा खासा नीचे की तरफ से एक ट्रेंड लाइन आ रहा था निफ्टी को फॉलो करके, वहीं पे उसने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके एक अच्छा खासा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न उसने एक अच्छा खासा ड्रॉ किया, तो आई थिंक यहाँ पे बन चुका। तो बुलिश कैंडल ऊपर की तरफ अगर रेजिस्टेंस देखिए, डेली कैंडलस्टिक के अपने जो सपोर्ट है रेजिस्टेंस है, तो ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है, पिछली बार भी ऐसे डाउनफॉल आया था तो ऊपर की तरफ दो बार उसने रेजिस्टेंस लिया, अभी थर्ड बार ये क्रॉस करने के लिए आ रहा है। अभी इसके ऊपर निकलता है जो 15,213 का लेवल है, इसके ऊपर निकलता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑल टाइम हाई के पास जाएगा जो कि 15,300 है, उसके ऊपर भी निकलता है तो एक ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। लेकिन नीचे की तरफ अगर इसको बेरिश होना है तो 14,893 के लेवल के नीचे अगर एक कैंडल क्लोज करता है तभी ये बेरिश हो सकता है, जो कि इसको 14,650 के लेवल तक देखने को नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है निफ्टी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर यहाँ पे डेली कैंडलस्टिक अपन देख रहे हैं, एक बार इसको मैं फिबोनाची के लेवल के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हाई एंड लो मार्क करेंगे, इस हाई से इस लो को अगर मार्क करेंगे तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे फिबोनाची के लेवल के हिसाब से यहाँ पे देखे तो ये जो हाई है इसे 0.50 का जो लेवल है, जो कि ए लेवल निकल के आ रहा है 014,746, और जब 0.6 जैसे कि 0.6 क्या हुआ इसने सस्टेन किया 14,896, तो इधर से एक अच्छा खासा बुल रैली है जो कि उसको फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट 0.70 का टारगेट 15,089 का टारगेट तो उसका अचीव होगा। लेकिन ऊपर की तरफ जो उसका टारगेट आ रहा है अभी है 1 पॉइंट रिट्रेसमेंट का जो कि 15,330, और उसके ऊपर निकलता है तो ऊपर की तरफ जो टारगेट निकल रहा है 16,000। तो ये अभी देखना पड़ेगा 16,000 है पॉसिबल होता है या नहीं, क्या ऑल टाइम हाई के ऊपर जाके कहां तक सस्टेन कर देता है। लेकिन इसको बेयरिश होना है तो 0.5 जैसे कि जैसे 0. का जो लेवल है 14,893 इसके नीचे उसको सस्टेन करना पड़ेगा, सॉरी 0.5 बोले तो यहाँ पे 14,700 इसके नीचे आएगा तो एक बेयरिशनेस देखने को मिल सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखें तो 0.6 का लेवल में बहुत इंपॉर्टेंट रखता हूँ, 0.5 लेवल पे आपका 50% रिटेसमेंट देखने को मिलता है, लेकिन मैं 0.6 के अबव यहाँ पे बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर देता हूँ। तो 0.6 के अबव अगर यहाँ पे सस्टेन करते हो तो मैं कभी बाइंग के लिए प्रेफर करूंगा, और आपको सेलिंग करना है तो 0.5 के नीचे आप सस्टेन कर देते हो आप एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। चलिए, यहाँ पे डेली पे देखने को मिला कि किस तरह से मोमेंटम हुआ है, और फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखे तो पिछली बार भी देखे तो कहाँ से, तो यहाँ से एक सेल ऑफ आया था, यहाँ से एक सेल ऑफ आया तो ऊपर की तरफ जो डबल टॉप फॉर्मेशन बनाया था इसने, डबल टॉप फॉर्मेशन बनाया लेकिन नीचे की तरफ जितना टारगेट देना चाहिए था उसके हिसाब से टारगेट नहीं दिया, यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ और अभी देख सकते अभी उसी लेवल को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, थर्ड टाइम रिस्पेक्ट कर रहे हैं। इसके अब अगर थर्ड टाइम इसके अब क्लोजिंग दे दे तो अच्छा सा अप मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है, जो कि ऑल टाइम हाई के ऊपर एक ऑल टाइम हाई लगाने को देखने को मिल सकता है निफ्टी। चलिए, अभी इसको एक बार वीकली पे भी कन्वर्ट कर देते हैं, एक बार मैं आपको वीकली पे कन्वर्ट कर दिया है और यहाँ पे देखेंगे वीकली पे क्या देखने को मिल रहा है। वीकली पे देखे तो ये जो बुलिश कैंडल है तो एक अच्छी से वीकली कैंडल पे आप एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल रहा है। इसको भी अगर वीकली कैंडलस्टिक पे अगर देखे तो ऊपर की तरफ यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लेवल है वो ये आपने आ रहा है, तो यहाँ पे इसको रिट्रेसमेंट करके फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया गया, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से तो मेरे हिसाब से इसका जो सपोर्ट निकल के आ रहेगा बीच में 0.50 का, तो यहाँ पे 14,950 का एक नीचे की तरफ सपोर्ट आएगा, जो 14,950 बना के रहेगा अच्छा खासा सपोर्ट के लिए वर्क करेगा 50% रिट्रेसमेंट। लेकिन इसके ऊपर अगर जब 15,000 के ऊपर यह सस्टेन करेगा आगे नीचे भी आता है 15,000 के ऊपर सस्टेन करेगा 0.6 का लेवल तक अच्छा सा फिर से बुलिशनेस देखने को मिला है, क्योंकि उसका फर्स्ट टारगेट रहेगा 15,175 का निकलेगा तो यहाँ पे 15,471 का टारगेट देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। तो यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा जो कि मेरा लेवल आ रहा है 15,484, तो इसको मैं ब्लैक कलर में कर देता हूँ। और यहाँ पे देखे तो ऊपर की तरफ अगर लेवल आता है 1 पॉइंट रिट्रेसमेंट का इस कैंडल के हिसाब से हाई या लो मार्क किया तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे तो 15,481 इस लेवल के हिसाब से अपने टारगेट निकाला है, तो ऊपर की तरफ जो रिस्पेक्ट कर सकता है अगर आता है बुलिश रैली तो 15,481 का लेवल देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ दिनों में। मैं क्या कह रहा हूँ आने वाले नेक्स्ट वीक के लिए अगर देखे तो एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बैठना, अगर यहाँ पे सेल ऑफ वगैरह आता है तो 0.50 का जो लेवल मैंने बताया था 14,950 तो वहाँ पे एक सपोर्ट ले सकता है, 15,000 का स्ट्रॉन्ग लेवल तो यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन ये बुल रैली कंटिन्यू करता है और ऑल टाइम हाई को क्रॉस करते हैं तो ऊपर की तरफ मेरे हिसाब से फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से 15,481 का एक रेजिस्टेंस रह सकता है। तो चलिए, मेरा भी यहाँ पे
अगले वीक के लिए थोड़ा बुलिश टू साइडवेज देखने को मिल सकता है, क्योंकि इंडिया वीक्स भी देखे तो इंडिया वीक्स नीचे की तरफ घट रहा है। एक जो मार्केट में वॉलिटी कम होगी लेकिन एक बुलिशनेस देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। चलिए अभी निफ्टी का फॉरकास्ट मैंने दिया, निफ्टी का आपको बताया लेवल्स, अभी बैंक निफ्टी चलती है और बैंक निफ्टी को फर्स्ट ऑफ ऑल डेली कैंडलस्टिक का अपन एनालिसिस करेंगे। और डेली कैंडलस्टिक पे देखेंगे तो आप देखें तो पिछली बार भी दोनों यहाँ पे 34,000 से एक रिजेक्शन लिया था, और अभी देखे तो एक 34,000 से ऐसे रिजेक्शन लेके अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे मैं फिर से ऊपर की तरफ अगर रेजिस्टेंस लेवल देखे तो मेरे कौन से रेजिस्टेंस लेवल मैं आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा रहा हूँ, जो कि इस हाई से इस लो तक। अभी देखे तो क्या देखने को मिल रहा है, अभी 0.5 लेवल का इसने ब्रेकआउट दिया है, लेकिन ऊपर की तरफ 0.6 का जो लेवल है, एक बार देखे यहाँ पे 0.6 का जो लेवल है मेरे हिसाब से आ रहा है, तो मैं उसको मार्क कर दूंगा, जो कि 34,945। इसके अब वो कैंडल क्लोज करता है तो वाला फर्स्ट ऊपर की तरफ टारगेट आएगा 36,161। तो ये एक 0.7 का रिट्रेसमेंट आएगा, और उसके बाद में जो ऑल टाइम हाई जो कि इसको देखने को मिल रहा है 37,770, तो इसको रिस्पेक्ट देखने को मिल सकता है। तो चलिए यहाँ पे मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट हटा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अगर ये 34,942 के ऊपर सस्टेन करेगा तो एक अच्छा खासा बुल रैली ऊपर तक आएगा, जो कि उसका फर्स्ट टारगेट रहेगा 36,167, इसके नियर बाय आ सकता है, क्योंकि पिछली बार यहाँ से फॉल आया था, यहाँ से अच्छा खासा डबल टॉप फॉर्मेशन होकर यहाँ पे रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। अदरवाइज देखे तो आज भी पिछले इस वीक का अगर यहाँ पे कैंडल देखे तो इस कैंडल का भी हाई लो मार्क करके फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के देखेंगे, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो अगर अगले वीक के लिए इस लेवल के हिसाब से अगर देखे तो इसका 0.5 का जो लेवल आ रहा है, जो कि 34,131 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लिए वर्क करेगा, और इसके बाद अगर 34,255 के यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक देता है अच्छा खासा रिट्रेसमेंट देखे तो ऊपर की तरफ ये लेवल से और इसके ऊपर निकलता है, तो फर्स्ट टारगेट जो मेरे हिसाब से 35,390 का लेवल देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। तो ऊपर की तरफ अगर नेक्स्ट वीक के लिए अगर टारगेट देखे तो ऊपर की तरफ से 35,390 का टारगेट देखने को मिल सकता है, लेकिन इसको बेरिश होना है तो 34,000 के नीचे क्लोजिंग देना पड़ेगा, तभी ये बेरिशनेस देखने को मिल सकता है। तो अभी एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया 35,390 का ऊपर की तरफ है, स्लो एंड स्टडी एक अच्छा खासा मूव कर सकता है, लेकिन उसको 35,000 के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग देना पड़ेगा, उसको क्रॉस करना पड़ेगा, तो फर्स्टली टारगेट 35,940 मतलब 35,400 का टारगेट देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। तो यहाँ पे मैंने आपको बैंक निफ्टी का लेवल्स बताया था, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट डेली कैंडलस्टिक। चलिए अभी वीकली पे देखते हैं, वीकली पे अगर देखते हैं तो अच्छा खासा बुलिश कैंडलस्टिक देखने को मिल रहा है। पिछली बार जो अपना जो क्या बोलते थे, एक फिप को वन फिप का एक कैंडल देख सकते हैं, जो बजट आया था अच्छा सा बुल रैली आया, उसके बाद में रिट्रेसमेंट किया था, उस रैली का जो उस कैंडल है उस कैंडल का अगर उसको रिट्रेसमेंट देखे तो फिबोनाची लेवल के इससे 50% के रिट्रेसमेंट का अभाव इसने क्लोजिंग किया, 0.6 के अभाव है क्लोजिंग किया, तो अच्छा खासा बुलिश साइन है अप ट्रेंड के लिए, क्योंकि 0.6 के अभाव यहाँ पे क्लोजिंग किया। तो ऊपर की तरफ अगर लेवल देखे तो यही लेवल जो निकल के आ रहा है जो मैंने ड्रॉ किया, तो इन लेवल के साथ अपन अच्छा खासा मोमेंटम देखना, लेकिन 34,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे अगर सस्टेन करते हैं तो एक बेरिशनेस देखने को मिल सकता है, लेकिन एक अच्छा खासा बुलिश कैंडलस्टिक बना है और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है 34,942 का, इसके अभाव निकलते तो अच्छा सा बुलिश रैली देखने को मिल सकता है। वीकली भी अच्छा सा कैंडल देखने को अगर इसके 50% अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करेंगे तो वहां पर आपको एक सपोर्ट देखने को मिलेगा, उस सपोर्ट के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए मैंने आपको लेवल्स बताए निफ्टी बैंक निफ्टी के, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, इस तरह से आप वहां पे ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जिन लोगों ने मेरे अगर तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया हुआ है। चलिए थैंक यू।